नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के रिजल्ट को लेकर के कि एसएससी एमटीएस रिजल्ट कब आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की डेट कब है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। चलिए बात करते हैं एसएससी एमटीएस रिजल्ट के बारे में और डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आई हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की आपकी डेट आई हुई है जो कि 6 नवंबर है, यानी कि 6 नवंबर को आपको डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होना है। तो 6 नवंबर में अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। तो एसएससी देखिए हर बार जो करती है वो 1 महीने से ज़्यादा का ही टाइम आपको देती है डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब की बार शायद 1 महीना आपको दे दे। तो आज तो आपको 2 अक्टूबर है, आज तो चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं रिजल्ट आने के, लेकिन हाँ कल परसों, ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको साइट पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, पहले तो आपका रिजल्ट ही आएगा, उसमें आपको दिखेगा कि आपका रोल नंबर उसके अंदर है या नहीं है और आपको कट ऑफ बताई जाएगी। उसके बाद एसएससी कुछ 5 से 7 दिन के अंदर जो है आपको स्कोर कार्ड दिखाता है। तो स्कोर कार्ड में आपको पता चलेगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क कितने हैं और एक्चुअली में आपके मार्क्स कितने थे, रो मार्क कितने थे आपके और नॉर्मलाइजेशन मार्क कितने हुए हैं, तो वो चीज़ स्कोर कार्ड में आपको दिखाई जाएंगी। तो देखिए, 1 से 2 दिन पूरे चांसेज हैं 100% कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपकी एसएससी एमटीएस की कट ऑफ रह सकती है वो अभी आपको पता ही है कि जो वैकेंसीज़ थी वो और आपकी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। कुछ वैकेंसीज अभी बढ़ी हुई है, तो उसी वजह से अब रिज़ल्ट आने के टाइम पर ही उन्होंने बताया कि आपको वैकेंसीज़ कितनी है और उसी के हिसाब से आपका रिज़ल्ट तैयार हुआ है, तभी जा करके आपको वैकेंसीज़ बताई हुई है। देखिए, जो एसएससी एमटीएस है उसकी जो टायर 1 की कट ऑफ होती है वो कम पे लगती है, उसके बाद आपकी फिर आप जैसे ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देकर के आओगे उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी, और फिर आप डीवी देकर के आओगे उसके बाद आपकी फ़ाइनल कट ऑफ लगेगी। यानी कि 3 कट ऑफ आपको पार करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, और एक ही एग्ज़ाम में। ऐसा भी नहीं कि आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई है, एक ही एग्ज़ाम से आपको 3 बार कट ऑफ लगाई जा रही है, तब जा करके आपको चांस दिया जाएगा। यानी कि आप जो है सिर्फ एसएससी एमटीएस टायर 1 से बिल्कुल इसमें खुश नहीं हो सकते, इतना बड़ा धोखा एसएससी एमटीएस आपके साथ करता है, ठीक है। जहाँ अगर हम टायर 1 की बात करें, देखिए टायर 1 में और टायर 2 में जो आप टायर 2 का के बाद रिजल्ट देते हैं उसमें भी कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस आपको दिखने को मिल जाता है, और फिर फाइनल कट ऑफ रही तो यानी कि पहले ही स्टार्टिंग में 10 गुना पास बच्चों को पास करते हैं। अभी लगभग जो है आपके 80,000 बच्चे पास होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से कम होंगे जब आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल में भी बच्चे काफ़ी कम होंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है और एक ही एग्ज़ाम से सारे बच्चों को कट ऑफ बढ़ाकर निकाल रहे हैं। कोई इसमें मेडिकल नहीं है, कोई इसमें फिजिकल नहीं है। हाँ, अब की बार देखिए क्या हो सकता है, अब की बार और भी कम कट ऑफ लग सकती है, क्योंकि अब की बार इसमें क्या हो चुका है, फिजिकल हो चुका है। किस पोस्ट पर? हवलदार पोस्ट पर। हवलदार की पोस्ट पर अब की बार फिजिकल है, तो उस फिजिकल में बच्चे निकलेंगे तो कट ऑफ हवलदार की और नीचे जाएगी, ठीक है। हवलदार की कट ऑफ तो और नीचे जाएगी और एमटीएस की कट ऑफ लगेगी, यानी कि हवलदार की कट ऑफ कम रहेगी, एमटीएस की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अब की बार 2 पोस्टें हैं, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो पिछली बार अगर 3,000 वैकेंसीज पर भी आपका जो है टायर 1 वो 75 के आसपास क्लियर हो रहा था, तो अब की बार तो और भी कम ही होने के चांसेज है। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें, एक चाहे आपका हवलदार की पोस्ट पर पड़े या एमटीएस की पोस्ट पर पड़े, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और 75 नंबर हैं तो टायर 1 तो आपका पक्का क्लियर होना ही होना है, ठीक है। टायर 2 फिर उसके बाद कितनी कट ऑफ बढ़ती है वो देखा जाएगा, क्योंकि इससे कम नंबर पर अगर आपका हवलदार हो चुका है तो फिर आपके हवलदार में चांसेस बन जाएंगे। एमटीएस में अगर आपके इतने हैं यूआर, क्योंकि उसमें एमटीएस में भी शायद 3500 के आसपास पोस्ट हैं, तो यूआर में अगर आपके 75 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं लो मार्क्स आंसर की के हिसाब से, तो आपके टायर 1 क्लियर होने के पूरे चांसेज हैं। ये हम टायर 1 की बात कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओबीसी की बात करें, अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो ओबीसी में 70 मार्क्स पे आपका होने का पूरा चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें, आपके 65 मार्क्स बन रहे हैं तो 65 मार्क्स पे आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो जाएगा, ठीक है, आपका यहीं एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा टायर 1। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 के आसपास, एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 55, और पीडब्ल्यूडी एलडी कैटेगरी की बात करें, हम पीडब्ल्यूडी में एलडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 50 नंबर के आसपास आपका चांसेस रहेगा। पीडब्ल्यूडी वीआई कैटेगरी की बात करें तो थोड़ा सा इसमें कम रह जाएगा, ये आपका लगभग 45 से 48 के आसपास जो है अगर आपके लो मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आपका चांसेस हैं, और
एचएच और एमडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स पर आपका 30 से 35 नंबर पर आपका एचएच और एमडी कैटेगरी में चांसेस रहेगा इस बार, क्योंकि इसमें हवलदार की पोस्टें भी हैं और इसमें एमटीएस की पोस्टें भी हैं। अगर आपके इतने इतने लो मार्क्स बन रहे होंगे तो फिर आपके जो हैं चांसेस पूरे रहेंगे। एक्स सर्विस की मैन की बात करें तो उसके भी लगभग 40 नंबर पर आपका चांसेस रहेगा एक्स सर्विस मैन का भी एसएससी एमटीएस क्लियर होने का। ये टायर वन की कट ऑफ थी, टायर टू की कट ऑफ में काफ़ी इंक्रीजमेंट मिलता है और हो सकता है अभी आपका जो है दिल्ली से या आपका हरियाणा से यूपी से इतने 75 मार्क्स पर टायर वन में आपका नाम आ जाए, लेकिन फिर आप लास्ट में अगर आपने सभी ऑल स्टेट भरे होंगे तो वहीं कट ऑफ आपकी जो निचले वाले स्टेट हैं उन पर ही टिक सकती है, तो वहाँ आपके चांसेस बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपके थोड़ा सा एसएससी एमटीएस में कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाती है जो आपकी फाइनल कट मेरिट आते आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई स्टेट मिलने के चांसेस रहेंगे ही। अगर आपने दिल्ली की कट ऑफ टायर वन क्लियर कर दी होगी, आपने हरियाणा की क्लियर कर दी होगी, तो आपको फाइनल कट ऑफ भी में भी कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगा, जैसे असम, मुंबई, आपका कर्नाटका, तो इस तरीके के स्टेट में से आपका कहीं ना कहीं चांसेस हो जाएगा। और एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।